झांसी में नगर निकाय की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन वार्डों का आरक्षण तय करने में जुटा हुआ है। 4 नवंबर तक आरक्षण की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी। शासन स्तर से वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा। प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट बनाकर लगभग तैयार कर ली है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले 2 सप्ताह के अंदर वार्डों का आरक्षण तय कर लिया जाएगा। झांसी नगर निगम में 60 वार्ड आते हैं, इसमें से 29 वार्ड आरक्षित रहेंगे। इसमें से 16 वार्ड OBC और 13 वार्ड SC कोटे के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं 60 में से 20 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने हैं। बाकी 32 वार्ड जनरल रहेंगे। अब ये कौन से वार्ड होंगे, प्रशासन इसकी रूपरेखा तैयार करने में जुटा हुआ है। चुनाव का आरक्षण का फॉर्मूला तय होते ही पार्षद उम्मीदवारों ने मन मुताबिक आरक्षण के लिए आला अफसरों और नेताओं के चक्कर काटने शुरू कर दिए। वहीं रोजाना बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपने वार्ड का खाका जानने के लिए नगर निगम ऑफिस पहुंच रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 18 नवंबर के बाद कभी भी जारी हो सकती है। शासन के आदेश के अनुसार इस बार चक्रानुक्रम के मुताबिक वार्डों का आरक्षण होगा। यानी जो सीट पहली बार आरक्षित थी वो इस बार उस वर्ग में आरक्षित नहीं होगी। हालांकि इनको दूसरे वर्ग में आरक्षित किया जा सकता है। पार्षद पद के उम्मीदवार इसी आधार पर अपने वार्ड को अपने मन मुताबिक आरक्षण की पैरवी में जुटे हैं। कई उम्मीदवार 2007, 2012 और 2017 के आरक्षण के आधार पर अपने वार्ड के आरक्षण की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वार्डों के आरक्षण में 2017 में पिछली आबादी के लिए कराए गए रैपिड सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। 2011 की आबादी के आधार पर ही वार्डों की संख्या इस चुनाव में भी 60 ही रहेगी। नगर आयुक्त का कहना है कि आरक्षण को लेकर रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली गई है। 4 नवंबर तक इसे शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद शासन स्तर से ही आरक्षण तय होगा। आप कमेंट करके बताएं कि आप किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसी लिस्ट जारी होती है आप तब तक पहुंचा दी जाएगी। हर एक ताज़ा अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।